गुड आफ्टरनून गाइस, मैं शीतल बाखरा, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। चलिए बात करते हैं, आज 13 तारीख है। 13 तारीख पर ट्रेड करना मैं बहुत सारे लोगों को अवॉइड करती हूँ। चलिए बात करते हैं कि कल एग्जैक्टली क्या हुआ, क्या पॉजिटिव न्यूज है। आज हमने मार्केट देखा है, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, इतनी ही न्यूज है। हाँ, बट कल की अगर न्यूज आपने सुनी होगी कि कल के डेट में हमने देखा था कि गोल्ड में 5000 रुपये से डाउनफॉल हमने देखा था, 5000 पॉइंट से हमने डाउनफॉल देखा था। इवन सिल्वर में भी काफ़ी, मतलब 61,000 के नीचे हमने सिल्वर को आते हुए देखा। जो बबल आया था, जैसे मैं बहुत दिनों से आपको बोल रही हूँ कि प्रॉफिट बुकिंग करिए, जो बबल आया था वो बहुत बुरा बबल आया था। उसके लिए एक बड़ा रीज़न था, वो थी इनसिक्योरिटी। जब बंदा कोई इनसिक्योर्ड होता है, आपने देखा है FDs के रेट कम हो रहे थे, स्टॉक मार्केट में अनसर्टेनिटी थी, तो उस वजह से लोगों का जो झुकाव था वो गोल्ड और सिल्वर की तरफ था। और जैसे ही अभी अनलॉक हो रहा है, अनलॉक की सारी प्रक्रिया शुरू हो गई है, जैसे कोविड पे रशिया ने एक दवाई निकाली है, ऐसे ही कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ वैक्सीन आने की कोशिश जब हो रही है, तो वो इनसिक्योरिटी कम हो रही है। और जैसे जैसे वो इनसिक्योरिटी कम होगी, वैसे वैसे यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर में और नरमी हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद में हमने देखा यहाँ पे कि 500 मिनरल ब्लॉक्स का जो गवर्नमेंट जो है वो लीलाव करने वाली है, तो यहाँ पे रॉयल्टी स्ट्रक्चर्स में हो सकता है चेंजेस हो सकते हैं, ब्लॉक ट्रांसफर चार्ज पे भी, मतलब जो भी ड्यूटीज लग रही थी वो भी कैंसिल करने की कोशिश कर रही है। फिर माइनिंग से भी जो सेक्टर्स है, माइनिंग सर्विस सेक्टर्स जो है, जिसके ऊपर GST 15% लग रहा था, हो सकता है 5% पे आ सकता है। फिर उसमें आपने अगर देखा होगा कि टेलीकॉम इक्विपमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है, उसके लिए भी बहुत बड़ी राहत यहाँ पे आते हुए हम लोग देख सकते हैं। फिर रेलवे प्राइवेटाइजेशन की जो दूसरी प्रेबिट मीटिंग्स थी वो भी होने वाली है। फर्स्ट मीटिंग में भी कुछ ना कुछ फाइनलाइज होने की कोशिश की थी, बट सेकेंड मीटिंग में हो सकता है कि ज़्यादा फाइनलाइज होगा और हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलते हुए हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो काफ़ी सारी फंडामेंटल न्यूज़ तो है, बट उस हिसाब से अगर आपने देखा होगा तो मार्केट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपको मार्केट में प्रॉफिट करना हो तो यहाँ पे फंडामेंटल बेस्ड न्यूज़ आपको आज के दिन में बहुत मैटर करेंगी। वैसे भी 14th को हम लोग अवॉइड ही करते हैं, फिर भी जिन क्लाइंट के प्रॉफिट हुए हैं वो मैं आपके साथ एज ऑलवेज शेयर करते ही रहती हूँ। यस, कल फ्राइडे से एक नई बैच शुरू हो रही है, जिसमें आप लोग आ सकते हो, आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वहाँ पे आपका नॉलेज आप बढ़ा सकते हो, आपका इन्वेस्टमेंट होगा, जो माइनल फीस रहेगी, जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको लॉट्स ऑफ स्ट्रैटेजीज, लॉट्स ऑफ नॉलेज देके जाएगी। और एज ऑलवेज मेरा तो फंडा है, विदाउट नॉलेज आपको स्टॉक मार्केट में जाना नहीं है। यस, कल डिम्पी सर के साथ आपने मेरा इंटरव्यू देखा होगा फाउंडर इंडिया पे, मेरी बुक्स की भी डिटेल्स मैंने वहाँ पे दी है। यस, मैंने स्टॉक मार्केट रिलेटेड अभी फ़िलहाल मराठी में बुक्स लिखी है, जल्द ही ये बुक मैं आपके साथ हिंदी और इंग्लिश में भी शेयर करने वाली हूँ। सो गाइस, चलिए बात करते हैं आज के प्रॉफिट की। हम लोग पहले बात कर लेते हैं, प्रॉफिट तो बनता ही है, बहुत छोटा छोटा प्रॉफिट है, बट चलिए मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि मार्केट आप देखिए 5 पॉइंट प्लस, तो 5 पॉइंट डाउन ऐसे ही जब चल रहा है, तो मैंने देखिए यहाँ पे लिया बेचा दोनों किया, 1680 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, वापस 5000 रुपीज़ का प्रॉफिट, ट्रेड ख़त्म हो गया है और 5000 रुपीज़ का प्रॉफिट आप देख सकते हो। यस, आज 13th है, तो 13th पे हम लोग जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी एग्जिट कर लेते, ज़्यादा वेट नहीं करते, क्योंकि न्यूमरोलॉजिकली 4 नंबर मैं अवॉइड करती हूँ। सो टिल देन गाइस, ऑल द बेस्ट।